बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, स्वागत है आपका पब्लिक पोल के एक और कार्यक्रम में। और आज हम पहुंचे हैं कहां, हम पहुंचे हैं बारामती। बारामती जिसे कहा जाता है कि शरद पवार का गढ़ रहा है, एनसीपी का गढ़ रहा है, लेकिन यहां पब्लिक का मूड क्या है ये भी जानेंगे। लेकिन जिस चीज की चर्चा हम कर रहे थे, प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण बयान, उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, बाला साहब ठाकरे को लेकर, उद्धव ठाकरे को लेकर जो बयान दिया है वो अपने आप में बहुत बड़ा है, और निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में उसे भी बहुत गंभीरता से देखा जाएगा। तो जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि उद्धव ठाकरे मुझे कितनी भी गालियां दे दें, बाला साहब के प्रति मेरा सम्मान है, और जब वो मुसीबत में होंगे मैं पहला आदमी होऊंगा जो उनकी मदद के लिए जाऊंगा। बाला साहब के विचारों के प्रति मेरा सम्मान है, बाला साहब ने जो मेरा मुझे प्रेम दिया उसके लिए मैं जीवन भर आभारी रहूंगा। इस पर क्या यहां की पब्लिक कहती है, और बारामती के और बड़े मुद्दे क्या है, यहां चुनावी जो सियासी इस वक्त दंगल छिड़ा है उसमें किसका पलड़ा भारी है, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करें। और देखिए इस कार्यक्रम में हमारे साथ खास तीन मेहमान है, तीन पक्ष जो रखेंगे उनका हम परिचय करा दें, साथ में उनके दलों के और भी सहयोगी मौजूद हैं। हमारे साथ हैं सचिन सदाशिव सातव, जो कि इस वक्त कांग्रेस अजित पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। और देखिए लक्ष्मीकांत नंदलाल पालीवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं शरद पवार गुट से। और देखिए वो रखेंगे पक्ष, क्योंकि ये भी देखना होगा कि तुतारी आखिर यहाँ पर बजेगी एक बार फिर से, या फिर समय जो है घड़ी का चलेगा। और देखिए हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, महेश सीताराम भागवत, जो कि ओबीसी बहुजन पार्टी से हमारे साथ हैं और यहाँ से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम जनता के बीच जाएंगे और लोगों से एक एक करके पूछते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो बयान दिया है बाला साहब ठाकरे को लेकर, उसको क्या सोचते हैं। बाला साहब को लेकर प्रधानमंत्री कहा कि मन में मेरे बहुत सम्मान है, उद्धव ठाकरे को उनके पुत्र होने के नाते मैं हमेशा उनके साथ हूं, लेकिन जहां तक विचारों की बात है तो मैं बाला साहब के विचारों के साथ ही खड़ा रहूं। आप इसको कैसे देखते हैं, बाला साहब को लेकर कहा प्रधानमंत्री ने कि बहुत सम्मान है? नहीं, उनके उनके हित में वो सम्मान ही है, जैसे प्रधानमंत्री जी बोल रहे उनके हित में वो बोल रहे जो सम्मान दे रहे बाला साहब के। प्रधानमंत्री ने कहा कि कम सीटें थी शिवसेना की, शिंदे गुट की, लेकिन हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया, क्यों? क्योंकि हम बाला साहब ठाकरे के विचारों का सम्मान करते हैं और ये उनके प्रति हमारा सम्मान था। तो उन्होंने उनका सम्मान दिखा दिया है, अब जनता सम्मान दिखेंगे। लेकिन इसके लिए कहा जाता है कि शिवसेना को उन्होंने तोड़ दिया, ये भी कहते हैं कई। नहीं नहीं, ये गलत है, ये गलत है, गलत आप है। मानते हैं कि गलत है। जरा दूसरी तरफ हम लोगों से पूछते हैं बाला साहब ठाकरे को लेकर क्या आप लोगों में बात होती है, और प्रधानमंत्री आज कह रहे हैं कि उनका सम्मान तो इतना है कि मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा। वो उनका जो राजकीय, वो जो आप हम बोलते हैं ना, रोटी सेकने का काम है खाली है? आप जो अभी बात कर रहे हैं ये तुतारी राष्ट्रवादी जो बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, आपने इनका नाम नहीं लिया, जो आप ये ऐसा लगता है कि आप राष्ट्रवादी या बीजेपी का सुपारी लेके इधर काम कर रहे हैं, ऐसा मत। किसका नाम नहीं लिया हमने? राष्ट्रीय पक्ष है, उनका नाम उन्होंने मुझे दिया ही नहीं, वो आए उसके बाद परिचय दे दिया। मैम, प्रधानमंत्री ने कहा है बाला साहब ठाकरे को लेकर कि उनका सम्मान है, जीवन भर मैं उनके प्रेम के लिए ऋणी रहूंगा, लेकिन मुझे भले ही कोई गाली दे मैं उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोलूंगा, नहीं कहूँगा, गलत नहीं बोलूंगा। ये कहा है प्रधानमंत्री टीवी 9 से इंटरव्यू? नहीं, अभी तो पंतप्रधान मोदी जी बाला साहेब ठाकरे के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनको आदर्श मानते हैं, अभी वो बोलेंगे भी नहीं आज। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? देखिए तो ये चीज़ें, और ज़रा एक एक प्रतिक्रिया हम यहाँ पर भी लेते हैं। एक बात तो आ गई है फिर से, महाराष्ट्र की राजनीति में चुनाव है और बाला साहब ठाकरे का जिक्र, खुद प्रधानमंत्री उसका जिक्र कर रहे। बेसिकली बाला साहब जबकि शिवसेना टूटी और एक गुट जी, शिवसेना टूटी है बाद की बात है। माननीय बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र के बहुत बड़े लीडर थे, है हमेशा के लिए उनका नाम रहेगा। जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके बारे में जो जिक्र किया है, इससे माननीय मोदी जी का मन का बड़प्पन भी दिखता है, और जो बाला साहब का एक स्तर पे जाके जो काम किया उन्होंने, उसका उन्होंने वो सर्टिफिकेट जैसा दिया, मतलब खुद ने वो उसको स्वीकार किया है। ये रही बात उद्धव जी की और मोदी जी के विचार की, तो उद्धव जी ने जो विचार बदल दिए, दूसरे गुट के साथ चले गए, जो जनता का मैंडेट था तोड़ दिया, उसके लिए राजनीति बदल गई। उन्होंने ये भी कहा कि उद्धव भले ही मेरे बारे में कुछ भी कहते रहे, मैं चूंकि वो बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं, मैं उस लिहाज से उनके खिलाफ बोलूंगा नहीं, और जरूरत पड़ेगी तो पहली मदद के लिए मैं ही आऊंगा। ये देखिए, ये हमारे माननीय पंतप्रधान मोदी जी का बड़प्पन है
कि उनके ख्याल उनके विचार बहुत ही एक विश्वगुरु के समान है। उन्होंने कहा है कि जब भी कोई परिवार में या कोई व्यक्ति पे संकट आए वो छोटे से छोटा व्यक्ति हो उसके साथ खड़े रहते हैं, तो ये तो उनके सबसे बड़े। हाँ आप कुछ कहना। ये गढ़ियाली आंसू है, अगर सही में उनको बाला साहेब ठाकरे के प्रति रिस्पेक्ट होता तो चुनाव विधानसभा के नतीजे आते ही उन्होंने चीफ मिनिस्टर बाला साहेब ठाकरे उद्धव जी ठाकरे को बना दिया होता। आपको ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बनाना अपने आप में वही है तो समय का। हाँ सर जी, क्या अभी तो आप सुन रहे हैं, आप कहाँ हैं, लॉस्ट हैं आप। आपका क्वेश्चन मैंने कहा कि बाला साहब ठाकरे के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि मन में सम्मान है और इसी सम्मान को देखते हुए हमने कम सीटें होने के बावजूद शिवसेना के मुख्यमंत्री बनाए। शिवसेना को मुख्यमंत्री बनाना उनकी मजबूरी थी। हाँ। उनकी मजबूरी थी बावजूद इसके कि उनके पास संख्या ज्यादा है, क्या मजबूरी थी अब ये मजबूरी। वो तो कह रहे हैं सम्मान था। वो तो सर 2014 में पहली बार युति तोड़ने वाले, 2019 में महाविकास आघाड़ी का जो प्रयोग हुआ था जो सक्सेसफुल प्रयोग हुआ था, महाराष्ट्र के लोगों को पसंद भी आया था, जनता ने उसे पसंद भी किया था, लेकिन उसके बाद जो गद्दारी का राजनीति हुआ इस महाराष्ट्र में पहली बार हुआ, जो पूरे पक्ष तोड़े फोड़े, जो हमारा मतलब घर तोड़ा, तो उसके बाद में उनको कुछ तो दिखाना था जनता के लिए, तो उन्होंने दिखा दिया देखो ये सम्मान के लिए आए यहाँ पे, हिंदुत्व के मुद्दे पे हमारे साथ आए इसलिए इनको। आप कह रहे पार्टी टूट गई, पार्टी टूट गई और जो मुखिया थे वो रोक नहीं पाए। यहाँ तक भी प्रधानमंत्री ने कहा कि शरद पवार अपनी बेटी को सत्ता देना चाह रहे थे और वहाँ पर आप देखिए उद्धव ठाकरे खुद सत्ता लेना चाह रहे। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखो 1991 में पहली बार दादा चुन के आए, अभी तक सुप्रियाताई ने कुछ नहीं सत्ता ली, ना मंत्री बने ना कुछ नहीं बने, उसके बाद दादा विधानसभा में गए। पार्टी का अधिकार कब लिया? सुप्रियाताई को चाहिए तो कब भी ले सकती थी, नहीं लिया पार्टी का अधिकार। सुप्रियाताई काम करना जानती है और काम के बल पे ही वोट मांगेगी। आप जो ये चीजें देख रहे हैं यहाँ पर तो लड़ाई आप देख ही रहे हैं उनकी है जो हमेशा यहाँ से रहे हैं, आप लोगों ने भी दावेदारी की। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एक 10 साल पहले प्रधानमंत्री जी यहाँ आए तो पवार साहब को गुरु बोले थे, अभी बाला साहब ठाकरे को आदर्श बोल रहे हैं, तो ये चुनावी जुमला है, चुनाव में बदलता रहता है। चलिए पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कालू राम चौधरी है और मैं बसपा का स्टार प्रचारक हूँ। ठीक है खुश। और रही बात आपकी जो आपने बाला साहब ठाकरे का पूछ लिया, तो ये बारामती लोकसभा है या 6 लाख शरद पवार का भी मैंने पूछा, वो दोनों का भी नाम नहीं चलेगा, बीके कोकरे का नाम चलेगा, और जो धनगर कम्युनिटी है उनका इतिहास रहा है, ये एक मिनट ये इतिहास रहा है, 4 मार्च 1928 को यहाँ धनगर परिषद हुई थी और ये मतदार संघ पहली बार हाथी पर चुनकर आया था, एमपी भी आया था और एमएलए भी आएगा,